उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि एआरओ, समीक्षा अधिकारी आरओ यानी रिव्यू ऑफिसर, एआरओ यानी कि सहायक समीक्षा अधिकारी में पोर्शन आता है हिंदी। हिंदी के आते हैं यहाँ पे कितने क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन। ठीक है, तो प्री एग्जाम में दो क्वेश्चन, दो पेपर होते हैं और एक पेपर में जनरल स्टडीज़ का होता है, दूसरा पेपर होता है हिंदी का। ये आते हैं 60 क्वेश्चन और टाइम भी 1 घंटा, 1 घंटा यानी कि होता है 60 मिनट। ठीक है, 1 घंटे के लिए एक पेपर होता है। दूसरा पेपर देखिएगा जिस तरह से पेपर आता है, बहुत छोटा सा पेपर है। ठीक है, ये बहुत पहला है, हाँ 2010 वाला समीक्षा अधिकारी का रखा हुआ है। तो उसमें केवल 60 क्वेश्चन आते हैं और टाइप क्या क्या है, कोई ज़्यादा बड़ा पोर्शन नहीं आता है। जैसे कि पैक है तत्सम, तत्सम एवं तद्भव, तत्सम तद्भव ये 10 क्वेश्चन। ठीक है, 10 क्वेश्चन इसी से आ जाएंगे, तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग के पहला क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, तत्सम, दूसरा तद्भव, तत्सम तद्भव, पांचवा भी वही है, छठा, सातवां, आठवां, नवां, दसवां, 10 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव से 10 क्वेश्चन ओके ओके हो गए हैं। ठीक है, और उसके बाद है ये विशेष्य विशेषण। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे जो है जो वो होता है वर्ण वाले से, वर्ण में आता है संज्ञा, सर्वनाम एंड विशेषण एंड विशेष्य, जो भी है ये जितनी चीज़ें हैं यहाँ से मिलके 10 क्वेश्चन इसके आ जाते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन ये हैं। उसके बाद आता है तीसरा पोर्शन, भैया 10 क्वेश्चन इसके भी हैं। ठीक है, हाँ 10 क्वेश्चन है पर्यायवाची, पर्यायवाची के भी 10 क्वेश्चन। ठीक है, 30 हो गए, 60 ही तो आने, यानी कि 6 पोर्शन है केवल, पर्यायवाची के भी रखे हुए हैं। उसके बाद विलोम, चौथा है विलोम शब्द, विलोम के भी 10 ही हैं। ठीक है, तो विलोम के भी 10, विलोम विलोम के भी 10 शब्द, यानी 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके बाद आता है बर्तनी अशुद्धि वाला, जो बर्तनी में शुद्धि है, शुद्धि अशुद्धि वाला, शुद्धि अशुद्धि यानी कि कोई बर्तनी में अशुद्धि है उसको शुद्ध करने वाले शब्द, शुद्ध रूप, शुद्ध रूप कहा जा सकता है। और लास्ट पॉइंट यानी कि पॉइंट नंबर 6 है इसमें, ये मतलब है वाक्य के लिए एक शब्द। ठीक है ना, एक वाक्य के लिए, वाक्य के लिए एक शब्द, एक शब्द। ठीक है, या अर्थ के आधार पर, मतलब जैसे आधी रात का समय, निशा, इस तरह से मतलब पेट की अग्नि के शब्द होगा, जठर अग्नि, इस तरह मतलब एक शब्द देने वाले वाक्य होंगे। इस तरह के जो होंगे ये 10 क्वेश्चन ये भी होते हैं, बर्तनी अशुद्धि के 10 क्वेश्चन। और 10 क्वेश्चन ये रखा, तो ये समीक्षा अधिकारी आर ओ एंड आर ओ का, पर देखने में पेपर बहुत इजी लगता है और माने क्यों नहीं, होता भी तो इजी ही है, परंतु 60 में से कम 55, 56, 57 ऐसे ऐसे हो जानी भी चाहिए। और जनरली सब लोग कहते हैं कि हमारे सब सही हो गए, पर इतने निकलते नहीं हैं सही। ठीक है, तो आसान होता है तो गड़बड़ी भी आप ही कुछ ज़्यादा ही हुआ करती हैं। कहीं कहीं पे देखा गया किसी किसी सेट में इन्होंने कुछ और चीज़ें, जैसे कि और पोर्शन थे, समास थे, अलंकार थे, ये कुछ इसमें नहीं लगाया है, तो कभी कभी लगा भी देते हैं। तो ये जो 12 पोर्शन हमने उसमें बताए थे टेट वगैरह में, 12 से 13 पोर्शन वो पूरे पूरे पढ़ के चलना चाहिए, तो हो सकता है कि उस वाले पोर्शन से भी क्वेश्चन आने लगे, है ना। तो यहाँ से केवल 6 पोर्शन दे रखे हैं, 6 से ज़्यादा सर आया हुआ है, और यहाँ से ज़्यादा उसमें पोर्शन आता भी है, और अदर पोर्शन जो भी है उसको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ के चलना चाहिए, तभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छी रहती है।